क्या होता है जब सपने में दिखते हैं भगवान, क्या नहीं करना चाहिए जब सपने में दिखे भगवान या मंदिर। सोते वक्त सपने देखना मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि हम जैसी बातें करते हैं या जैसा सोचते हैं, अर्थात जो भी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, हमें उसी से संबंधित सपने आते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार ऐसे सपने देखता है जो उसे प्रसन्न कर देते हैं। कई लोग अपने सपने में भगवान को देखते हैं। ऐसे सपने आने पर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। सभी मनुष्य अपने दिमाग में भगवान की एक छवि बनाए हुए होते हैं। सपने में भी हम भगवान की उसी छवि को देखते हैं। सभी मनुष्यों के लिए सपना देखना एक बहुत ही सुखद एहसास होता है, लेकिन ऐसा सपना देखने पर मनुष्य के मन में कई बार अनेक तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सपने में भगवान के दर्शन बहुत शुभ होते हैं, परंतु इसके कई अर्थ माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि किसी के सपने में आकर भगवान उसे क्या संकेत देते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसा माना गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सपने में भगवान को देखते हैं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि ईश्वर उसे भक्ति की राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। जीवन में तरह तरह की मोह माया में पड़कर मनुष्य खो जाता है और उसे भगवान के स्मरण तक का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में भगवान का सपने में दिखाई देना व्यक्ति को सही राह पर चलने का संकेत माना जाता है। ऐसे में मनुष्य को गलत कार्यों से दूर रहकर धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों से घिरा हुआ है और उसे इस समस्या का कोई हल नहीं सूझ रहा होता है, तो ऐसे समय में यदि वो व्यक्ति सपने में भगवान के दर्शन पाता है, तो इसे एक आशा की किरण माना जाना चाहिए। ऐसे समय में भगवान आपको संकेत दे रहे होते हैं कि आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसे में व्यक्ति को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। सपने में भगवान को देखना शुभ है या अशुभ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने भगवान के किस रूप में उनके दर्शन पाए हैं। ऐसा माना गया है कि यदि आप सपने में भगवान को क्रोधित रूप में देखते हैं, तो यह शुभ नहीं होता। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, तो स्वयं में सुधार करने की जरूरत है एवं आपको अपने जीवन में कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान को अपने घर में देखते हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि उनके और उनके परिवार पर भगवान का आशीर्वाद एवं भगवान की कृपा होती है। वहीं यदि किसी को उसके सपने में अपने कार्यस्थल या स्कूल जैसे स्थान पर भगवान दिखते हैं, तो माना जाता है कि उनको अपने कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करने की जरूरत है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन मिलते हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कार्यों में सफलता प्राप्त होने का संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में ब्रह्मा जी दिखते हैं, तो यह जीवन में आगे बढ़ने के संकेत को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे आपको अपने कार्यों में तरक्की मिलती है। सपने में कृष्ण भगवान को देखना जीवन में सुधार होने का संकेत देता है। सपने में प्रभु श्री राम जी को देखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। इस सपने का यह अर्थ माना गया है कि व्यक्ति को उसके जीवन में तमाम परेशानियों के बाद भी सफलता प्राप्त होगी। और आइए अब जानते हैं कि सपने में मूर्ति को देखने के क्या संकेत होते हैं। सपने में मूर्ति देखना एक बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक यह संकेत माना जाता है कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आने वाली है। ऐसा भी माना गया है कि ऐसा होने पर भविष्य में आपको धन की प्राप्ति होती है एवं घर परिवार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सपने में मूर्ति को टूटता देखना। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी मूर्ति को टूटता हुआ देखता है, तो ऐसे सपने बहुत अशुभ माने जाते हैं। ऐसे सपनों से यह संकेत मिलता है कि आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। इन व्यक्तियों को किसी पर भी जल्द ही भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें आगे जाकर धोखा मिल सकता है। माना गया है कि ऐसे व्यक्तियों को धन की हानि भी हो सकती है। सपने में मूर्ति बनाना। सपने में मूर्ति बनाना देखना एक बहुत शुभ संकेत माना गया है। ऐसे सपनों से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति को धीरे धीरे ही सही मगर लाभ जरूर होगा। माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत होने वाली होती है एवं वो व्यक्ति जल्दी ही किसी नए रिश्ते में बन सकता है। ऐसे व्यक्ति की व्यापार में वृद्धि हो सकती है तथा धन का लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई भी सपना देखें, तो क्या करना चाहिए?
यदि किसी को सपने में मूर्ति या भगवान के दर्शन होते हैं तो उन्हें इन सपनों को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को ऐसे सपनों के बारे में बताने से सपने का फल कम हो सकता है या पूरी तरह से सपना विफल हो सकता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान से जुड़े सपनों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है, और हाँ, आपकी राय क्या है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने घर परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप या किसी दूसरे माध्यम से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर चुनें। जय श्री राम।